के रहने वाले किशोरी की हत्या कर दी गई। किशोरी का शव रविवार शाम गांव के पास गन्ने के खेत में पड़ा मिला। बता दें कि किशोरी शुक्रवार को लापता हो गई थी और शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि किशोरी के गले पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को उसके लापता होने के बाद माता पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था। लड़की के माता पिता ने गांव में किसी भी दुश्मनी से इनकार किया। मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी भी मौके पर पहुंचे। एसएसपी एके सिंह आगे की पूछताछ के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सबूतों के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी भेजा। इसके लिए एसपी विजय धूल ने गांव में क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को भी भेजा है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कोई एक्शन लिया जाए। खेत से कहीं लापता हो गई है। सूचना पर थाना पसगवा में तत्काल सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस टीमों को खोजबीन में लगाया गया। खोजबीन के क्रम में आज शाम को वादी की बेटी का शव गांव के पास एक गन्ने के खेत से बरामद हुआ। पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।